हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ब्लड रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में तो हम सीखने वाले हैं 50 मोस्ट आईएमपी ब्लड फैक्ट्स रिगार्डिंग द ब्लड एनेट्स सिस्टम तो ब्लड रिलेटेड जो पूरा सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर तैयार होता है तो उसके रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पचास जितने जो फैक्ट है वो हम स्टडी करेंगे कि जो पिन पॉइंट्स नॉट्स कहे जाएंगे एज वेल एज़ उनके रिलेटेड जो नॉर्मल वैल्यूज़ रहती है ब्लड के रिलेटेड वो सभी को हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर अच्छे से स्टडी करेंगे तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मारॉक्स थैंक यू फॉर बीन वन लेक फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के मोबाइल ऐप के ऊपर तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉय ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम आपको ये वीडियो लेक्चर में देने वाले हैं कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू वाइवा एज़ वेल एज थियोरी बेस्ड एग्जाम के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट ये सब फैक्ट रहेंगे पिन पॉइंट रहेंगे रिगार्डिंग ब्लड तो सबसे पहले ये पॉइंट कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया कि विच इज़ नोन एज अ रिवर ऑफ लाइफ तो रिवर ऑफ लाइफ क्या है तो दैट इज़ ए ब्लड जैसे हमने पिछले एक लेक्चर में सीखा था ब्लड रिलेटेड कि ब्लड के जो सभी फंक्शंस हमने सीखे थे उसमें जाना कि ब्लड जो है वो रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है बिकॉज उसके जो फंक्शन है कि वो प्रोटेक्शन में भी काम करता है थर्मोरेगुलेशन करवाता है एज वेल एज न्यूट्रिशंस को सभी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तक पहुंचाने का काम करता है ऑक्सीजन पहुंचाता है सभी को तो जो ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है सभी ऑर्गन्स की एज वेल एज जो न्यूट्रिशंस की डिमांड होती है वो सबको पूरी करता है जिसके कारण ब्लड को कहा जाता है रिवर ऑफ लाइफ उसके बाद है ब्लड सर्कुलेशन वॉज डिस्कवर बाय ब्लड सर्कुलेशन की जो टेक्निक थी वो किसने डिस्कवर की तो आंसर है विलियम हार्वे तो ये खास याद रखिए पिन पॉइंट कि विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन जो है सबसे पहले डिस्कवर किया और उसके रिलेटेड जो प्रॉपर थियोरीज वगैरह हमें प्रोवाइड की फिर है क्वेश्चन नंबर थ्री कि द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन एन एडल्ट किसी भी एडल्ट पर्सन के अंदर कितना ब्लड वॉल्यूम होता है तो फाइव से लेकर सिक्स लीटर जितना ब्लड वॉल्यूम होता है और एम के अंदर आप लिखो कई बार तो पाँच से लेकर 6000 हज़ार एम जितना ब्लड किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर होता है कि जिसको हम कहते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम फिर बात आती है कि पीएच कितनी होती है ब्लड की तो ब्लड की पीएच 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में रहती है रेंज और कई बार इक्विवेलेंट के अंदर 7.4 भी वैल्यू लिखी होती है ब्लड के पीएच की फिर यहाँ पे भी ये चार्ट देख लो आपके ब्लड कंपोजिशन के अंदर 55% परसेंट प्लाज्मा हो गया 45% परसेंट हो गए अलग अलग एलिमेंट्स की जिसको हम कहते हैं ब्लड सेल तो ये हो गया ब्लड सेल कि जो है अराउंड 45% परसेंट और प्लाज्मा हम देखें तो 55% परसेंट है प्लाज्मा में भी 90% परसेंट जितना रहता है वाटर और 10% परसेंट जितने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मेटाबोलिक न्यूट्रियस होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड हॉर्मोन साथ ही साथ प्रोटीन होते हैं अलग अलग जैसे कि एल्बोमिन प्रोटीन है इम्यूनोग्लोबिल है फाइब्रिनोजन जैसे प्रोटीन फिर जो ब्लड सेल्स से ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा रहते हैं इरिथ्रोसाइट्स की जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल और बाकी के वन टू टू परसेंट के अंदर ल्यूकोसाइड्स है ग्रैन्युलोसाइट एग अग्रैन्युलोसाइट प्लेटलेट्स मतलब कि आरबीसी तो नाइन्टी एट से नाइन्टी नाइन बाकी के वन टू टू परसेंट के अंदर डब्ल्यू प्लेटलेट्स रहेंगे फिर पांचवा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ब्लड का जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है आपके ब्लड के अंदर तो एक से लेकर 250 मिलीग्राम पर हंड्रेड एम की के समझो कि आप हंड्रेड एम जितना ब्लड सैंपल किसी का लेते हैं तो उसके अंदर आपको 150 से लेकर 250 मिलीग्राम जितना नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल उसके अंदर दिखेगा कि जो नॉर्मल है उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती बट जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा तो आगे बहुत सारे ब्लड रिलेटेड डिसीज जो है वो हो सकते हैं हार्ट रिलेटेड डिशीज हो सकते हैं फिर है नंबर छः की द फ्लूड पार्ट ऑफ द ब्लड तो फ्लूड पार्ट को हम क्या कहते हैं प्लाज्मा की देखो ये येलो कलर का जो फ्लूड आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं प्लाज्मा तो वो है प्लाज्मा की जिसको फ्लूड पोर्शन कहा जाता है आपके ब्लड का फिर बात है कि प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन हैज़ एन एक्टिव रोल इन कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है कि जिसका नाम है फाइब्रिनोजन तो ये फाइब्रोनोजन का एक्टिव रोल कौन सी क्रिया के अंदर है कौन सी एक्टिविटी के अंदर है तो हमें पता है कि जो ब्लड क्लोटिंग का हमने सीखा था तो उसमें ये पॉइंट आया था तो वहाँ से ये पिन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कि फाइब्रिनोजन का जो काम है तो फाइब्रिनोजन एक टाइप का प्रोटीन ही है और ये प्रोटीन का जो फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग के अंदर फिर है कि प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोब्युल्स फंक्शन एज तो उसका काम है एज अ एंटीबॉडीज़ कि प्लाज्मा के अंदर जो हमने प्रोटीन देखा कि जो ग्लोब्यूलिनस हमने देखे ग्लोब्युलेंस एज़ वेल एज़ इम्यूनोगोगलोब्युलन्स उसके अंदर प्रेजेंट है तो ये इम्यूनोगुलेंस जो होते हैं उनका जो काम होता है एज अ एंटीबॉडीज़ कि जो अलग अलग डिसीज है डिसऑर्डर्स से उनके सामने हमें जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं लाइक कोई फ़ॉरन सब्सटेंस एंटीजन जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है कि एंटीजन के तौर पे कोई वायरस है बैक्टीरिया है कोई फॉरेन सब्सटेंस है तो उसके सामने तुरंत अटैक करने के लिए एंटीबॉडीज़ जो है वो वहाँ पे जमा हो जाते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ जो है वो आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो जो प्रोटीन है ग्लोब्युल उसका फंक्सन है एंटीबॉडीज़ के तौर पर फिर जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है आपके प्लाज्मा के अंदर उसका जो फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग का तो प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन द ब्लड पीएच कितनी मेंटेन करते हैं तो आपको अभी देखा है कि 7.35 से लेकर 7.45 ये पीएच मेंटेन करते हैं तो इसमें कौन हेल्प करता है तो आलबीमिन प्रोटीन्स जो है वो ब्लड की पीएच मेंटेन करने में जो है वो हेल्प करते तो जितने भी अलग अलग प्रोटीन है कि जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है सभी के अपने यूनिक फंक्शन है दसवां नंबर का इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए तो के डिस्क सेब ब्लड सेल कि जैसे कोई डिस्क होती है और वो भी के सेब सेब की है तो वो ब्लड सेल कौन से तो वो है हमारे रेड ब्लड सेल की जिसको आर हम कहते हैं तो रेड ब्लड सेल यहाँ पे देखो तो जो ह्यूमन हीमोग्लोबिन होता है वो भी उसके साथ ही अटैच होता है कि ये जो हिम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एंड ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी उसके अंदर जो है अटैच होते हैं तो नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल कौन सा है कि जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है नॉन न्यूक्लिएटेड तो वो है आर बी सी आर बी सी इसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता जबकि डब्ल्यू बी सी है प्लेटलेट्स वगैरह में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं फिर बात आती है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आर बी सी रेस्पायरेटरी तो ये पिगमेंट कौन सा है तो उसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन यहाँ पे देखो रेस्पायरेटरी पिगमेंट मतलब कि जब कोई हम रेस्पिरेशन करते तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कौन करता है हीमोग्लोबिन के ये मॉलिक्यूल्स इसी के कारण उनको रेस्पायरेटरी पिगमेंट्स कहे जाते हैं रेड ब्लड सेल के तो ये वेरी वेरी मोस्ट आई है कि इसलिए मैं यहाँ पे येलो कर रहा हूँ बाकी बाकी के पॉइंट तो आपको काफ़ी हद तक पता ही है थर्टीन नंबर का पॉइंट देखें तो रेड पिगमेंट प्रेजेंट इट आर बी रेड ब्लड सेल का जो रेड कलर है वो कौन से पिगमेंट के कारण है तो हीमोग्लोबिन के कारण तो हीमोग्लोबिन की जो रेड कलर का पिगमेंट है उसके कारण आर रेड है और उसी के कारण जो हमारा ब्लड है उसका भी कलर रेड होता है बट जब किसी के अंदर आर कम हो जाते है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसके कारण जो डिसीज़ होती है एनेमिया तो उसमें आप देख सकते काफ़ी बॉडी जो है वो आपका और रेडनेस कम हो जाती है बॉडी के अंदर फिकास देखने को मिलती है तो वो सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि जब आर काउंट डिक्रीज हो जाए तो रेड पिगमेंट के लिए आर बी सी है आर बी सी अब कहाँ प्रोड्यूस होते है, तो बॉर्न मैरो में यहाँ पे देखो ये बॉर्न मैरो दिखाया गया है ये आपका बॉन और बॉन के अंदर रहा ये बॉन मेरो तो बॉन मेरो के जो स्पेशलाइज सेल होते हैं जो स्टेम सेल्स वगैरह हम कहते हैं तो वहाँ पे ये सभी सेल प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल आर प्रोड्यूस इन ए बॉन मेरो की ये आर आप देख सकते हैं ये प्लेटलेट्स सेल और ये वाइट ब्लड सेल तो ये सभी का जो प्रोडक्शन हाउस जो हम कहें तो डेट तो इज़ ए बॉर्न मेरो ऑफ अवर बॉडी आयन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के अंदर भी जो आयन को कैरी करने वाला पिगमेंट कौन सा है तो दैट इज हीम तो हीम जो है वो आयन जो है वो कैरी करता है तो आयन कंटेनिंग पिगमेंट कहा जाता है हीम फिर प्रोटीन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन तो दैट इज़ ए ग्लोबिन तो जो प्रोटीन पार्ट है हीमोग्लोबिन का कि जिसको हम कहते हैं ग्लोबिन कि जो प्रोटीन पार्ट है और दोनों वर्ड को समझो कि आप कंबाइन करोगे तो तैयार होगा हीमोग्लोबिन तो हिम मतलब कि वो कैरी करेगा स्पेशली आयन को मतलब कि आयन कंटेनिंग पिगमेंट है कि हीमोग्लोबिन के अंदर आयन जो है वो किसके पास प्रेजेंट है तो हिम के पास और प्रोटीन किसके पास प्रेजेंट हो तो ये ग्लोबिन के पास और दोनों का कंबिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन फिर बात आती है कि ग्रेव यार्ड ऑफ आर बी सी आर बी सी का ग्रेवयार्ड दैट इज़ ए स्प्लिन तो ये खास समझिए कि ग्रेव यार्ड जो है बहुत बार एम सी क्यूज के अंदर पूछा जाता है कि ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल वाइवा में भी पूछा जाता है तो दैट इज़ ए स्प्लिन तो ब्लड बैंक इन द बॉडी बॉडी की जो ब्लड बैंक है वो कौन है कौन सी ग्लैंड है तो दैट इज़ ए स्प्लिन फिर बात ही बात आता है कि लाइफ स्पान ऑफ आर बी सी रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पन कितना होता है तो 120 डेज़ का होता है 120 डेज के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और नए आर बी सी फिर से बॉर्न मेरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो जो डिस्ट्रॉय हुए आर बी सी की जगह ले लेते हैं टोटल काउंट इज़ मेज़र बाय टोटल काउंट इज मेज़र बाय एन इंस्ट्रूमेंट एज कि जो आर बी सी है या फिर डब्ल्यू बी सी का जो काउंट आपको मेज़र करना है तो वो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ हीमोसाइटोमीटर कि यहाँ पे जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये वाला तो उसमें ये जो न्यूबर्स चैम्बर दिखाया गया है डायल्यूशन पीपेड्स वगैरह होती है तो एक आर के लिए होती है और एक डब्ल्यू बी की जो रेड कलर का आप देखो पीछे है कि ये वाला एक रेड कलर तो है तो वो पीपेड रहेगी आर के लिए और ये पीछे जो वाइट है वो पीपेड रहेगी डब्ल्यू के लिए और ये बीच में जो है वो न्यूबर्स चैम्बर जो है वो आप देख सकते हैं कि जो पूरी किट है उसको कहा जाता है हीमोसाइटोमीटर तो ये हीमोसाइटोमीटर को यूज़ करके आप आर बी सी एंड डब्ल्यू बी सी काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं फिर बात आती है अ डिक्रीज इन आर बी सी इज नोन एज तो उसको हम कहते हैं एनीमिया की अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि जब किसी पर्सन का आर बी सी काउंट लो हो जाता है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उस वक्त जो डिसीज कंडीशन फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं एनीमिया की लो एच बी या फिर उसको हम कहते हैं लो आर बी सी आर बी सी कम हो जाना या फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाना तो वो हम कहते हैं एनीमिया एन इंक्रीज इन आर बी सी काउंट इज़ नॉन है जब जो कम है वो तो आपको पता बट हम जो कि वो इंक्रीज होते हैं तो वो कंडीशन को कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया ये खास याद रखिए मोस्ट आई एम पी है आपके लिए ये पॉइंट तो व्हाट इज़ पॉलीसाइथेमिया पॉलीसाइथेमिया मतलब कि आरबीसी काउंट जो है वो इंक्रीज होना इंक्रीज इन आर बी सी दैट मीन्स पॉलिसाइथेमिया फिर इम्पोर्टेंट है ट्वेंटी थ्री नंबर का फैक्ट देट इज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बिली रूबिन इन द ब्लड कोस कि आर बी सी जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उनमें से ये बिली रूबिन तैयार होता है अब बिली रूबिन लीवर जो है यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू जो किडनी करवाती है लीवर के थ्रू सभी के कंबाइंड फंक्शन से हमारी बॉडी में से बाहर निकल जाता है बट उसकी मात्रा जो बढ़ती जाती है तो जो डिसीज़ कंडीशन प्रोड्यूस होती है उसको हम जॉन्डिस कहते हैं हिंदी में उसको पीलिया कहा जाता है तो पीलिया या फिर जो जॉन्डिस के कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि जब बिलीरुबिन लेवल ब्लड के अंदर एनहांस होता है फिर समझो ट्वेंटी फोर द डिसीज रेजिस्टेंट ब्लड सेल दैट इज़ ए डब्ल्यू बी सी ल्यूकोसाइट्स द डिसीज रेजिस्टेंट ब्लड सेल मतलब कि किसी भी डिसीज के सामने आपको प्रोटेक्शन का काम कर देते हैं तो प्रोटेक्शन का काम करने के लिए डब्ल्यू की जो आपको प्रॉपर प्रोवाइड करवाना में हेल्प करते हैं इम्यूनिटी को जिसके कारण उनको क्या कहा जाता है कि डिसीज रेजिस्टेंस कि किसी भी डिसीज एंड डिसऑर्डर्स के सामने किसी भी इन्फेक्शंस के कारण के सामने आपको प्रॉपर इम्यूनिटी रोग प्रतिकारक शक्ति प्रोवाइड करने का काम करके आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज के सामने से के कारण डिसीज रेजिस्टेंट ब्लड सेल कहे जाते हैं डब्ल्यू और उसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट है नंबर ट्वेंटी फाइव दैट इज़ विच डब्ल्यू बी सी इज नोन एज एज अ सोल्जर ऑफ़ द बॉडी कि हमारे बॉडी के सोल्जर्स कौन है तो वो है न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यू बी सी में भी जो स्पेशल जो सोल्जर्स कहे जाते हैं दे आर न्यूट्रोफिल्स 26 दैट डेट इज लार्जेस्ट डब्ल्यू के की साइज के अकॉर्डिंग टू सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यू कौन सा है तो मोनोसाइट्स मोनोसाइट्स को सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यू जो है वो कहा जाता है तो यहाँ पे आप डायग्राम्स में देखें ये जो मोनोसाइट जो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जिसको हम कहते हैं कि लार्जेस्ट डब्ल्यू बी की अलग अलग जो ब्लड सेल है कि मोनोसाइट आप देख सकते हैं मैक्रोफेज मैक्रोफेजि एरीथ्रोसाइट है प्लेटलेट्स है लिम्फोसाइट देख सकते हैं न्यूट्रोफिल है ईसिनोफिल बेजोफिल तो उसमें जो लार्जेस्ट कहे जाते हैं दैट आर अ मोनोसाइट्स फिर स्मॉलेस्ट डब्ल्यू कौन से है तो दे आर लिम्फोसाइट तो उसी के बाजू में देखो ये लिम्फोसाइट्स से कि जिनकी साइज़ जो है वो दूसरे डब्ल्यू के कंपेयर में छोटी है तो उनको स्मॉलेस्ट कहा जाता है तो ये पिन पॉइंट आपके लिए सबसे मोस्ट टाइम है एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग डब्ल्यू की जो पांच डब्ल्यू तो है हमारे पास तो उसमें से कौन से डब्ल्यू ऐसे हैं कि जो प्रोड्यूस करते हैं ये एंटीबॉडीज़ तो उसका सही आंसर है लिम्फोसाइट्स कि जो लिम्फोसाइट्स है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ तो ये देखो कि जो स्मॉलेस्ट डब्ल्यू है वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़ को तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन का जो काम है वो लिम्फोसाइट्स के पास है तो ये वाले लिम्फोसाइट्स फिर लाइफ स्पान ऑफ डब्ल्यू बी सी अब डब्ल्यू बी सी कितने टाइम के बाद कितने दिनों बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो 10 से 15 दिन कि जैसे हमने आर बी सी का देखा कि आर बी सी का लाइफ स्पान था वन ट्वेंटी डेज तो उसी तरह से आपको आर बी सी डब्ल्यू बी सी का भी याद रखना है तो दस से पंद्रह दिन द ब्लड सेल परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग तो ये पॉइंट तो काफ़ी आसान है कि जो थ्रोम्बोसाइट्स हम कहते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं कि जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं वेसल्स इज कॉल थ्रोम्बस कि जो ब्लड वेसल्स होती है कि जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है तो उसको थ्रोम्बस भी कहा जाता है उनके लिए दूसरा वर्ड दैट इज़ ए थ्रोम्बस अच्छे से ये याद रखिए नंबर थर्टी टू एंटी कोएगुलेंट इन ब्लड ब्लड के अंदर कौन सा एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट है नेचुरली तो दैट इज़ हिपेरिन तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि नेचुरली अकरिंग कि नेचुरली जो ऑलरेडी आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है एंटी को तो वो कौन सा है तो हिपेरिन जो ऐसा है कि जो नेचुरली एंटी कोएगुलेंट ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है कि जो ब्लड क्लोटिंग होने से प्रिवेंट करता है कि जब ब्लड वेसल्स ब्रेकेज नहीं हुई और नॉर्मल इस तरह से ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये ब्लड फ्लो जब हो रहा है तो प्रॉपर वो ब्लड अच्छे से फ्लो होता रहे ब्लड अंदर क्लोट ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर कोई एंटी कोएगुलेंट होना तो एंटी के तौर पे होता है प्रेजेंट हीपरिंग की जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है हमारे ब्लड के अंदर और वो प्रिवेंट करवाता है ब्लड क्लोटिंग को ब्लड क्लोटिंग को कराएगा प्रिवेंट तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है 33 नंबर में देखे तो हेरेडिटरी ब्लीडिंग डिज कि जो विरासत में आपको मिलती है वारसागत जो हम कहते हैं तो दैट इज हीमोफीलिया तो हीमोफीलिया समझो कि पेरेंट्स को है तो आगे हेरेडिटरी डिसीज के कारण उनके जो बच्चों को भी उनके चिल्ड्रंस को भी वो विरासत में मिलता है फिर बात आती है आ, ब्लीडर्स डिसीज़ तो ब्लीडर्स डिसीज को भी हेमोफीलिया ही कहा जाता है हीमोफीलिया एंड क्रिसमस डिसीज़ मतलब भी हीमोफीलिया एंड अ टाइप ऑफ एनीमिया विथ सिकल सेफ आरबीसी तो जिसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया तो यहाँ पे देखो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है हीमोफीलिया के बारे में ख़ास ये पढ़े कि हीमोफीलिया तो हीमोफीलिया क्या है तो हीमोफीलिया इज़ ए को एगुलेशन डिसऑर्डर अरेंजिंग फ्रॉम जीनेटिक डिफेक्ट ऑफ द एक्स क्रोमोज़ोम तो ये जब क्रोमोज़ोम के अंदर जब जीनेटिकली कोई डिफेक्ट होती, तो होती है तो उसके कारण जो को एगुलेशन रिलेटेड कोई डिसीज होती है डिसऑर्डर होता है तो उसको हम कहते हैं हीमोफीलिया और ये जन्मजात रहता है विथ बर्थ ही जो चिल्ड्रन होता है उसको मिलता है अपने पेरेंट्स से किस समझो कि पेरेंट्स को हीमोफीलिया था तो आगे जाके चिल्ड्रन्स को भी हो सकता है इन एनी ऑफ सिवरल हेरेडिट्री ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर इन विच द ब्लड फेल टू क्लोट नॉर्मली बिकॉज ऑफ डेफिशेंसी और एबनॉर्मलिटी ऑफ द वन ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर्स की जो क्लोटिंग फैक्टर्स जो आप सीखते हैं तो ये क्लोटिंग फैक्टर्स की चाहे डेफिशेंसी है या फिर वो क्लोटिंग फैक्टर की एबनॉर्मलिटी है तो उसके कारण ये प्रॉब्लम होता है इन हीमोफीलिया अ रिसेसिव ट्रेट एसोसिएटेड विथ एक्स क्रोमोजोम मोस्टली अकर इन मेल तो ये पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार एग्जाम्स के अंदर भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है तो ये खास करके कौनसे नंबर के क्रोमोजोम्स का डिफेक्ट के कारण तो एक्स क्रोमोजोम रिसेसिव ट्रेड कहा जाता है और इसमें यह ब्लड क्लोटिंग का मेन प्रॉब्लम होता है एबनॉर्मलिटी ड्यू टू द क्लोटिंग फैक्टर्स फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की विस्कोसिटी पता होनी चाहिए आपको ब्लड की तो वो है फोर पॉइंट फाइव से लेकर फाइव पॉइंट फाइव सेंटीपोइ जितनी इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र हीमोग्लोबिन की एच बी मेज़रमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो लेबोरेटरी पर्पस के तौर पे यूज़ होता है तो उसका नाम है हीमोग्लोबिनो मीटर सबसे अच्छे से याद रखिए कि हिमोग्लोबिनो मीटर की हीमोग्लोबिन पर से ही हिमोग्लोबिनो मीटर आपको ये वर्ड तैयार करना है हु डेमोस्ट्रेटेड द ब्लड ग्रुप तो कार्ल लैंडस्टीनर की जो ब्लड ग्रुप के ऊपर हमने पूरा एक लेक्चर आपके लिए बनाया था जिसमें हमने वो भी सीखा था कि किस तरह से ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते दें हम एंटीजन ए एंटीसेरा ए एंटीसेरा बी और एंटीसेरा डी को यूज़ करके तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले आपको ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन की जो ए ब्लड ग्रुप सिस्टम थी उसकी जानकारी दी हु डेमोस्ट्रेटेड द आर एस फैक्टर तो सेम कार्ल लेंटेंडर ने ही आर एस फैक्टर के बारे में बताया और जो पॉजिटिव नेगेटिव की जो बात की कि ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फिर है फोर्टी वन ब्लड ग्रुप विच इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर तो वो है ब्लड ग्रुप ओ ओ को हम यूनिवर्सल डोनर करे थे कि वो सभी को ब्लड जो है वो दे सकता है एंड यूनिवर्सल रेसीपियट या फिर यूनिवर्सल एक्स, आ, एक्सेप्टर कि सभी से ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है रेसिपियन जो कहा जाता है तो दैट इज़ ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप इज मोस्ट कॉमन अमॉन्ग द एशियंस एशियन लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा है तो ब्लड ग्रुप बी है विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग दैट इज अटामिन क्योंकि विटामिन के आपको ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प करता है तो ये पेन पॉइंट खास अच्छे से याद रखिए एशियंस के अंदर कौन से ज़्यादा विट ब्लड ग्रुप देखा जाता है तो ब्लड ग्रुप बी फिर बात आती है नॉर्मल वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन की पिन पॉइंट्स की तो डब्ल्यू की नॉर्मल वैल्यू तो चार हज़ार से लेकर तेरह हज़ार जितने सेल्स होते हैं पर माइक्रोलीटर कि माइक्रोलीटर आप सैंपल लेते हैं एक वन माइक्रोलीटर और उसमें आप सेल काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे चार हज़ार से लेकर तेरह हज़ार तो इज़ ए डब्ल्यू की नॉर्मल वैल्यू सेम आरबीसी तो वो मिलियंस के अंदर होते फोर पॉइंट फाइव से फाइव पॉइंट नाइन मिलियंस मेन के अंदर और वुमेंस के अंदर हम देखें तो वो होता है 4.1 पॉइंट वन से लेकर फाइव पॉइंट वन यूनिट हमने सेम रखा है सेल्स पर माइक्रोलीटर हीमोग्लोबिन जो देखे तो हीमोग्लोबिन डेसी लीटर में मेजर होता है कि ग्राम पर डेसी तो चौदह से लेकर सत्रह दसमलव पाँच फोर्टीन टू सेवनटीन पॉइंट फाइव ग्राम पर डेसिलिटर मेन के अंदर और वुमेन्स के अंदर ट्वेल्व पॉइंट थ्री से लेकर फिफ्टीन पॉइंट थ्री ग्राम पर डेसिलिटर। फिर नॉर्मल प्लेटलेट्स भी पता होने चाहिए तो प्लेटलेट्स माइक्रोलीटर में कि कितना नंबर ऑफ सेल पर माइक्रोलीटर तो एक लाख पचास हजार से लेकर चार लाख पचास हज़ार फोर्टी नाइन नंबर का हम फैक्ट देखें तो एज़ पर द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस द स्टोरेज टेम्परे फॉर आर बी सी डब्ल्यू बी सी एंड प्लेटलेट कि आर बी सी को कितने टेम्परेचर पर आप स्टोर करें डब्ल्यू बी सी को कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाए एंड ऑल्सो द प्लेटलेट्स तो जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टू ये पॉइंट आपको खास याद रखना है तो सबसे पहले समझिए कि रेड ब्लड सेल कि उनको स्टोर किया जाता है बिटवीन टू टू सिक्स डिग्री सेल्सियस ऑफिशियल जो गाइडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग टू आपको दो से लेकर छः डिग्री के बीच में उनको स्टोर करना होता है प्लेटलेट्स को प्रॉपर हेल्दी रखने के लिए प्लस ट्वेंटी से लेकर प्लस ट्वेंटी फोर डिग्री सेल्सियस के बीच में उनको आप रखिए कि जब आप सेंट्रीफ्यूज करके सभी कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं ब्लड के उसके बाद यह प्रोसेस आती है स्टोरेज की फिर प्लाज्मा जो है उसको स्टोर करना पड़ता है माइनस 18 डिग्री सेल्सियस पे ये खास याद रखिए कि प्लेटलेट्स एंड ल्यक्साइड की जिसको हम कहते हैं कि डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट तो 20 टू 24 प्लाज्मा को माइनस एटी डिग्री सेल्सियस पे और रेड ब्लड सेल को प्लस टू टू सिक्स डिग्री सेल्सियस फिर नियम द टेक्निक टू स्टोर द ब्लड सेल की जो ब्लड सेल को स्टोर किया जाता है वो टेक्निक का नाम क्या है तो उसको हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन वो टेक्निक को क्या कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशंस का जाता है एंड रेड सेल कैन बी फ्रोजन आफ्टर ट्रीटिंग विथ क्रायो प्रोटेक्टिव सोल्यूसन एंड कैन बी स्टोर फॉर टेन ईयर्स दस साल तक उनको सेव करके आप रख सकते हैं अगर स्टोरेज टेम्परेचर माइनस सिक्सटी फाइव या उससे आप कम रखें नॉर्मली जो है वो दो से छः डिग्री पर आप रख सकते हैं बट जब आपको स्पेशलाइज स्टोरिंग करना है दस साल या फिर उससे भी ज़्यादा समय तक तो उस वक्त तो उसको टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा माइनस सिक्सटी फाइव डिग्री सेल्सियस तो ये था स्पेशल लेक्चर की जिसके अंदर पचास हमने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जाने रिगार्डिंग द ब्लड और ये पेन पॉइंट आपके लिए बहुत ही आई रहेंगे तो ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले हुए फार्मारॉक्स का एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल को थैंक यू फॉर वाचिंग व्हाट्सअपर्स ज्वाइन करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन एप फार्म अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी